चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं उस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा अरे मोमो वो रहा चांद कहाँ है कहाँ है मैं मुझसे वो जहाज है यार भाई जहाज रात में भी उड़ते हैं मैमो साहब चांद नजर आ गया कहाँ वो देखे अरे नबील वो आजम साहब की बेटी है बिल्कुल चांद जैसी है मैमो साहब अगर उसके पापा ने देख लिया ना तो चांद के बजाय तारे नजर आएंगे वो भी दिन में मेरा ख्याल है टीवी पे देख दिया चल के चांद यार तो चांद टीवी पे नजर आएगा हाँ मोमो अब चांद टीवी पर ही नजर आएगा ले तो हम इतनी देर से उसको आसमान में क्यों ढूंढ रहे थे अरे आओ ना अंदर चले चलो आओ आओ चलो यार अंदर चलो ईद उल फितर का चांद नजर आ गया है लिहाजा कल पूरे मुल्क में ईद मनाई जाएगी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मुबारक हो चांद नजर आ गया आपको भी वो हो मुबारक ईद का चांद मुबारक हो तुम्हें भी नबील जानो शुक्र है इस बार रोजे आराम से गुजर गए हाँ यार जानू अब तुमने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना मैं सोने जा रहा हूँ क्या हाँ जानू जितनी थकावट मुझे इस रमजान में हुई है ना पहले कभी नहीं हुई अरे खुदा को मानो नबील इस मर्तबा रमजान में तो हमने सिर्फ 4 एपिसोड किए हैं और तुम उसमें ही थक गए हो अरे महमूद साहब आप अगर हिलकर कोई काम करें तो आपको पता चले थकन होती क्या है आपने पूरा रमजान सो के गुजारा है तू भी तो हर वक्त अपने कमरे में पड़ा सोता ही रहता है ओ माँ जी आपको क्या पता मुझे तो नींद ही नहीं आती मैं तो हर वक्त सोचता रहता हूँ किस चीज के बारे में सोचते हो नबील जानू मुल्क के हालात के बारे में जानू तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मुझे कितनी टेंशन है अपने मुल्क की नबील थोड़ी टेंशन घर की भी ले लिया करो खुदा का वास्ता अब सारी टेंशनें मैं ही लूं और कोई कुछ नहीं करेगा मैं मुसाब मैं सोने जा रहा हूँ आपके पास अगर किसी मालिश का नंबर है तो उसे मेरे कमरे में भेज दे वरना खुद आके मेरी मालिश करे प्लीज मुझे तुम्हारी करनी है वो मालिश है हाँ जी नबीला चांद रात है यार पता है जानू लेकिन मैं ये चांद रात सोकर गुजारना चाहता हूँ दिमाग खराब है क्या ईद की शॉपिंग कौन कराएगा मुझे जानू पापा जी ने तुम्हारे और चांदी के कपड़े भिजवा तो दिए उसके अलावा भी मुझे शॉपिंग करनी है यार मेरे लिए अपने लिए यार मुझे ज्वेलरी लेनी है चूड़ियाँ लेनी है चांदी की चूड़ियाँ लेनी है ओ यार जानू ईद पर चांदी की चूड़ियाँ कौन पहनता है सब औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं चांदी के लिए चूड़ियाँ लेनी है नबील ठीक है जानू तू जाकर खरीद लो व्हाट नहीं मुझे आपके साथ बाजार जाना है सरफराज महमूद महमूद के साथ नहीं आपके साथ जाना है अरे तुमने बाजार से खरीदना क्या है यार मुझे वो लेनी है वो क्या वो जो हाथों और पैरों में लगाते हैं नेल पॉलिश नेल पॉलिश तो जूतों पे लगाते हैं अरे नेल्स पर लगाते हैं यार हाँ नेल पॉलिश तो जूतों के नेल पे लगाते हैं ना तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो और वही जो सिर पे लगाते हैं अरे ऐसी क्या चीज है यार जो बालों पे हाथों पे और पाँव पे लगाते हैं अच्छा मेहंदी वैश्य वैश्य मुझे मेहंदी लेनी है लेकिन अब मेरे पास और पैसे नहीं है यार पैसे मैं दे दूंगी नबील क्या हाँ अब चलो ठीक है जानू लेकिन फिर मैं अपने लिए भी शॉपिंग करूंगा ठीक है यार कर लेना ओके जानू जल्दी करो बाजारों में रश पड़ जाएगा चलो 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 हाँ तो महमूद साहब को जाओ मैं बैग ला रही हूँ ओके महमूद साहब माँ जी यार आप लोगों ने ईद की शॉपिंग के लिए नहीं जाना अरे क्या तुम भी जा रहे हो हाँ महमूद साहब मेरी प्यारी बीवी मुझे पूरे साल की शॉपिंग करवा रही है आज अरे मोमो जल्दी आओ ना तुम भी हाँ जी हाँ जी आ गई चले यार आपने बाजार में मेरे साथ साथ रहने मुस्तकीम क्यों वो मुझे लड़के बहुत छेड़ते हैं ना मोटी मोटी क्या है के ओ यार बच्चों आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ चांद मुबारक चांद मुबारक वाले लग रहे हैं मुझे अरे नहीं नबील भाई तूने पहचाना नहीं और मैं जग्गू हूँ जग्गू दादा अरे नबील ये तो अपने जग्गू दादा है अरे जग्गू दादा आप कैसे हैं आप भाई मैं ठीक हूँ जग्गू दादा बता बता मांगने तो नहीं आए ना अरे यार कैसी बातें कर रहे हो नबील भाई जानू बच गए
ओ यार, हमने सोचा कि आप लोगों को हमारी याद आ रही होगी, इसलिए हम चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए आ गए तुम्हें। थैंक यू जग्गू भाई। अरे बहना, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? आजो भी आजो। चलो भाई चलें। अरे भाई, किधर जा रहे हो तुम लोग? हम वो लेने जा रहे हैं। वो क्या? ओ जग्गू दादा, हम अपनी बीवियों को ना चूड़ियां और मेहंदी दिलवाने जा रहे हैं। ओके जग्गू दादा, फिर मिलेंगे। अरे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। और क्यों जरूरत नहीं है कहीं जाने की भाई? अरे माँ जी, आपका बेटा आपके लिए मेहंदी और चूड़ियां लेकर आया है। हे पुत्र। अरे अम्मा जी, ये बेटा, मैं बेटा जग्गू दादा। लेकिन हमने फिर भी मेहंदी लगवाने तो बाजार जाना ही है ना। अरे ये लैला है ना, ये लगाएगी आप लोगों के हाथ पर मेहंदी, इसीलिए तो लेकर आया हूँ मैं। चले मामू साहब, इस बार हम लोग भी मेहंदी लगवा ही लेते हैं। शराब नबील। ओके जानू। अरे चलो लड़को, यहाँ खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाकर लेकर आओ मिठाई के टोकरे, मेहंदी और चूड़ियाँ। अरे सही, टोकरे हम कहाँ लेके आए, हम तो सिर्फ बस थैलियाँ ही लेके आए। सही, चलो थैलियाँ लेकर चलो। चलो 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 चलो। जग्गू दादा अपनी माँ और बहन के घर में आया। जाओ बच्चों, शाबाश, मेरे कमरे में जाकर खेलो। जाओ जाओ जाओ। ये माँ जी, आपके लिए मेहंदी और चूड़ियाँ। थैंक यू। और ये बहना, आपके लिए चूड़ियाँ और मेहंदी। जग्गू दादा, आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए? अरे यार, फिक्र क्यों करती हो, तुम लोगों को भी ईदी देकर जाऊंगा। चल भी लैला। ये नहीं, ये तो मेरी लैला है। जग्गू दादा, बहुत भूख लग रही है। अबे शर्मा क्यों रहा है, अपनी माँ और बहन के घर में आया, किचन में घुसो, जो दिल करता है खा लो। नबील, जरा मेरी बात सुनो। अरे बहना, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, जो भी घर में है खा लेंगे, बाहर से कुछ नहीं मंगवाना। मैं मंगवा भी नहीं रही। हाँ तो फिर ठीक है। नबील जरा मेरी बात सुनो, कमरे में आओ। आया जानू, जगह जगह दो, जगह दो, जगह दो, चलो। आप लोग भी मेरी बात सुनो। बैठे बैठे बैठे, ये क्या बकवास है नबील? क्या हुआ जानू? जग्गू दादा पूरी पलटून लेके हमारे घर क्यों पहुँच गए? ओ जानू, तुम्हारा मुँह बोला भाई, मुझसे क्या पूछ रही हो? नबील, वो सिर्फ उस मोहल्ले तक था, यहाँ नहीं। कितनी खुदगर्ज हो तुम जानू, तुम्हें याद नहीं है वो वक्त, कितनी बार जग्गू दादा ने उस घर में हमारे यहाँ राशन डलवाया था। शराब नबील, मैं अपनी चांद रात नहीं खराब करना चाहती, उन्हें निकालो इस घर से। सॉरी जानू, जग्गू दादा तुम्हारा भाई है, तुम खुद निकालो। नबील, मैं उसे निकाल भी दूंगी। तो निकालो जानू। मैं बहुत गुस्से में हूँ नबील। अरे तो धक्के दे के निकालो उस जग्गू के बच्चे को। सोच लो नबील। सोच लिया जानू। ठीक है जग्गू दादा। हाँ बोल बहना। जग्गू दादा, वो हमें ना अभी बहुत ईद की तैयारियाँ करनी है। हाँ तो बहना कर, किसने रोका? हमें बाहर जाना है, आप लोग जाएंगे तो हम जाएंगे ना। अरे हमने कहीं नहीं जाना, हम तो अपनी ईद की शॉपिंग करके आए हैं, क्यों लेला? हाँ बिल्कुल। अरे आपको बात समझ में नहीं आ रही, आप ना हमारे घर से चले जाएं। अरे ऐसे कैसे चले जाएं, हम तो अपनी माँ के घर आए। तू होती कौन है हमें घर से निकालने वाली? अम्मा जी, कैसी बहू है ये आपकी, जिसको मेहमानों से बात करने की तमीज ही नहीं है। ओ दफा कर पुत्र इसको, ये तो है ही बेशरम, इससे अच्छी तो तू है, काश तू मेरी बहू होती। काश। शराब नबील। ओके जानू। अरे अम्मा, ये तेरी बहू है ना, मैं तेरा बेटा जो हूँ। हाँ जी, तेरा पुत्र। माँ जी चुप है, देख ये होती है बहू। जा मेरे पुत्र के लिए खाना बना। मैं नहीं बनाऊंगी कुछ। माँ जी। कोई नहीं पुत्र, मैं तेरे लिए बाहर से खाना मंगवा दूंगी। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। जाए मुजफ्फर, मेरे पुत्र के लिए बाहर से खाना लेकर आए। खाइए ना, मैं बहुत दूर से खाना लेकर आया हूँ। काश मुझे भी कोई अपने हाथों से खिलाता। नबील। अरे जाओ ना, तुम्हारी बीवी तुम्हें बुला रही है। बड़ा शुक्रिया सही, बड़ा मददगार था। नबील अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या मेरी चांदात खराब करने आए हैं ये लोग? ओ जानू, चले जाएंगे ना यार। कब जाएंगे यार, अब तो खाना भी खा लिया। जानू मेरा ख्याल है चाय पी के चले जाएंगे। क्या अब वो लोग चाय भी पियेंगे? ओ जानू, जहाँ इतना सब्र किया है और थोड़ा कर लो, वैसे भी बाजार तो सुबह तक खुले होते हैं। मुझे नहीं जाना बाजार। जैसे तुम्हारी मर्जी जानू। What? जानू कितनी मोहब्बत से वो मिलने आए हैं हमें, हमें तो हमारे रिश्तेदार नहीं पूछते। सच कहा है अली इमरान ने, मोहब्बत सीखनी हो तो किसी गरीब से सीखो। वो तो मैं अच्छी तरह नोट कर रही हूँ नबील, तुम उस लैला के पीछे मजनू की तरह घूम रहे हो। खबरदार खूबसूरत, तुमने मुझ पर घटिया इल्जाम लगाया, वो खुद मुझे लाइने करा रही है। नहीं नहीं, हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे, अब तो मेरा वो भी दिल नहीं चाह। आप क्या गुड बाय कहने आई हैं? नहीं, मैं तो गुड नाइट कहने आई हूँ। क्या मतलब? आप लोग बुरा ना माने तो मैं इस कमरे में सो सकती हूँ? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस आप जग्गू दादा से इजाजत ले लें। क्या बकवास है,
सुने आप यहाँ नहीं सो सकती, अपने घर जाके सोएं। अरे हम तो ईद करके जाएंगे ना, ईद मनाने तो आए हैं हम यहाँ पे। क्या क्या ये लोग रात को हमारे साथ घर में रहेंगे? हाँ ये सुबह ईद करके जाएंगे। माँ जी अगर ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तुम मेरे साथ अंदर चलना, आराम से सोएंगे। मैं नहीं सोऊंगी तुम्हारे साथ। क्यों नहीं सोएगी? तेरा तो बाप भी जगह, चल अंदर। जगू दादा मैं भी ना सोने जा रहा हूँ, सुबह ईद की नमाज में मुलाकात होगी। अबे तू कहाँ जा रहा है, हम सब तो यहाँ लाउंज में रहेंगे। लाउंज में क्या करेंगे जगू दादा? अबे फिक्र मत कर, मैं पत्ते साथ में लेकर आया हूँ, रात भर पत्ते खेलेंगे। हाँ वो जो हम रात भर खेलेंगे वो पत्ते होंगे। हाँ चांद रात है, पार्टी होनी चाहिए। हाँ जगू दादा अभी पार्टी तो बनती है ना। सही होशे चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल माँ जी क्या हुआ? मोमो आप लोगों ने ईद की नमाज नहीं पढ़नी? यार ईद की नमाज हो गई। हाँ। चलो फिर बच्चों आओ ईद तो मिलो। हमें नहीं मिलनी। चले यार महमूद साहब आप ईद मिल ले यार। अरे हटो पीछे, तुमने ईद की नमाज ही नहीं पढ़ी। तो आपने कौन सी पढ़ी है? वो तो ठीक है ना, मैंने भी नहीं पढ़ी, तुमने भी नहीं पढ़ी, नहीं मिलते हिसाब बराबर। शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को? ओ माँ जी ये सब कुछ इस घटिया जगू की वजह से हुआ है। हाँ सारी रात हमें पत्ते खिलाता रहा है। आपको क्या जरूरत थी पत्ते खाने की? आपने रात को पेट भर के खाना तो खाया था ना। अरे वो पत्ते नहीं मोमो, ये ताज के पत्ते। साल में मेरी ईद की नमाज निकलवा दी तुम लोगों ने। हमने निकलवाई है या आपने निकलवाई है? अबे मेरी सारी ईद खराब कर दी नेस्ती तुम लोगों की वजह से, मैं भी सो गया। अबे हद होती है लापरवाही की। अब चलो मेरे लिए नाश्ता बनवाओ, मैं जब तक कपड़े बदलता हूँ। जी 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 जी। चाहे माँ जी अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाए। जाके अपनी बहन को उठा और बोल उसको नाश्ता दे। बीवी? हाँ बीवी की बहन को उठा। अरे उठ जा, कितना सोएगी? सोने कहाँ दिए तुमने मुझे? एक मिनट, ये क्या है? क्या है क्या है? तुमने ये क्या पहना हुआ है? कपड़े और क्या, ये तो मेरा ईद का सूट है। हाँ तो मुझे अच्छा लगा, मैंने पहन लिया। ये तो मैंने पहनना था यार। हाँ तो क्या हो गया, तू जग्गू की बहन है ना, मैं तेरी भाभी हुई। मैंने पहना तूने पहना एक ही बात है। नबील नबील क्या हुआ जानू? मैं यहाँ हूँ नबील। सॉरी जानू बोलो। नबील इस लैला ने मेरा ईद का जोड़ा पहन लिया, अब मैं क्या पहनूंगी? जानू इफ यू डोंट माइंड, जानू ये सूट लैला को बड़ा सूट कर रहा है। क्या? थैंक यू। मेंशन नॉट। नबील मेरा जोड़ा। जानू ये रोना धोना बाद में कर लेना, अब उठो शाबाश नाश्ता बना लो। जग्गू दादा अगर थोड़ी देर नाश्ता ना करे ना तो उनको गुस्सा आने लगता है। हाँ चल उठ नाश्ता बना। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। वाह भी वाह, मजा आ गया। लो भी नाश्ता तो मैंने टिका के कर लिया, अब मैं तुम लोगों को ईद ही देने वाला हूँ। ओ शुक्र है महमूद साहब, ये काम की बात की जग्गू दादा ने। नबील जितनी खिदमत हमने जग्गू दादा की है ना, कम से कम 10,000 रुपए ईदी बनती है हमारी। अरे महमूद साहब आप जग्गू दादा को हल्का ले रहे हैं, 10,000 तो वो सोना चांदी को ईदी देंगे यार। हैं? अरे सोना चांदी जल्दी आओ भाई, जग्गू दादा ईदी दे रहे हैं। ये ले भी नबील, 100 रुपए रख। जग्गू दादा इसकी क्या छालियां लेके आनी है? अबे नहीं बे, ये तेरी ईदी है। ये ले महमूद, ऐश कर। माजी
ये आपको सबसे ज्यादा दे रहा हूँ 120 रुपए। आ जाओ बच्चो, तुम लोग भी आ जाओ। ये ले भी, तू भी रख ले। ये खुद ही रख लो। 100 रुपए तो मैंने अपनी बहन चांदी को ही दिए। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। हाँ भाई, हमारी बहन खूबसूरत कहाँ है, बुलवाओ उसे। नबीर, अब अगर ये लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है जानू, जग्गू दादा ने तो मेरी भी हटा दिया जानू। हाँ यार देखो, सिर्फ 100 रुपए ही दी दिया उसने हमें। क्या? हाँ खबीस इंसान, 200 रुपये तो मालशिये भी ले लेते, मैंने तो मालिश भी की थी। ओ यार 5000 का तो रात से मिलकर खाना खा गए ये लोग। नबील, इससे पहले कि मेरी पूरी ईद बर्बाद हो जाए, प्लीज इन जंगलियों को घर से निकालो यार। हाँ पुत्र, घर में तो खाने को भी नहीं बचा। जानू एक आइडिया, क्यों ना हम लोग ईद अपनी मनाने किसी और जगह जाएं। जब घर में कुछ नहीं मिलेगा ना, इनको खुद ही टांगों के चले जाएंगे। लेकिन हम ईद मनाने जाएंगे कहाँ यार? अरे मोहल्ले में जाके बारी बारी सबसे मिल के आ जाते हैं। ये ठीक है पुत्र। अब भाई क्या बात है, यहाँ बैठ के कहीं दोपहर के खाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे तुम लोग? और नहीं जगू दादा, हम लोग तो सोच रहे थे कि अपने चाचा की तरफ चले जाएं। अच्छा? हाँ, ईद के पहले दिन नबील के चाचा के यहाँ जाते हैं। अरे चलो अच्छा है, हम भी उनसे मिल लेंगे। क्या? हाँ भाई आ जाओ। एक्चुअली जगू दादा, मेरे चाचा के घर वाले पर्दा करते हैं। ओ यार, हम लोग तो यहाँ पे बोर हो जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? आप अपने मोहल्ले वालों के साथ ईद मनाएं ना। हाँ भाई ये ठीक है। अरे भाई लैला, मोहल्ले वालों के साथ ईद मनाने की तैयारी कर लो, आ रहा हूँ मैं। यस। अरे नबील, सारे मोहल्ले वालों की तरफ एक एक घंटा बैठ के आते हैं, खा पी के जब वापस आएंगे तब तक जग्गू दादा जा चुका होगा। ये चीज मेरे अजीज, सोना चांदी आ जाओ, आओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई घर में कोई नहीं है, बाद में आना। चले मैं वो साहब, चले चले चले। यार महमूद साहब, मोहल्ले वालों ने तो हमें मोह ही लगाया यार। तो अब क्या करें पुत्र? मैं तो कहता हूँ समंदर पे चलते हैं, खुदकुशी करने। अरे नहीं भाई, ईद मनाने, ऊँटों पे बैठेंगे, घोड़ों की सवारी करेंगे, पापड़ खाएंगे, क्यों बच्चों? ये! चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जानू, बच्चों ने तो एंजॉय किया ना। हाँ नबील, लेकिन हमारी ईद तो खराब हो गई है ना। कोई बात नहीं जानू, आज मजे से सोएंगे, कल अपनी ईद मनाएंगे। वो जो कल हम अपनी मनाएंगे वो ईद होगी। हाँ जी। अच्छा जी, जी। ओ जग्गू दादा, ये लोग कौन है? अरे हमारे मोहल्ले वाले हैं नबील भाई, मेरी बहन ने कहा था ना कि ईद मोहल्ले वालों के साथ मनाए, इसीलिए मैंने सबको यहाँ बुला लिया। अभी तो बाकी लोग भी आ रहे हैं। क्या जानू, ईद मुबारक। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते।